पूर्व फौजियों की पेंशन को हल करने के मकसद से अमृतसर के आर्मी कैंट इलाके में विशेष पेंशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कि पूर्व फौजियों के परिवारों ने अपने पैसों से जुड़े मसलों को हल करवाया। इसके लिए विशेष 8 बैचों का गठन किया गया, जिसमें कि पेंशनरों ने अपनी मुश्किलों का हल करवाया। इसके साथ ही जो केंद्र से जुड़े मामले हैं उनको हल करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया और उनका व्यापक हल निकाला गया। इस पेंशन अदालत में 300 के करीब परिवारों ने शिरकत की और ये अदालत अमृतसर में 2 दिन तक चलेगी। इस मामले में जानकारी देते हुए अधिकारी ने कहा कि ये सब परिवार आज हमारी शान है, जिनकी मुश्किलों को हल करना हमारा फर्ज है। इस पेंशन का उद्देश्य सिर्फ ये है कि पेंशन नाल सीधा राबता कायम किया जाए, किसी भी फौजी भरा दी विडो दी फैमिली पेंशनर की कोई भी तकलीफ होवे, पेंशन दे विच कोई भी कोई कमी होवे, उन्हें डायरेक्टली बैठ के अदालत की तरह उन्हें सॉर्ट आउट किया जाए। जो जो प्रॉब्लम्स हैं हर पेंशनर दियाँ उन्हें सुनिया जाए और उस पर करेक्टिव एक्शन ऑन द स्पॉट लेता जाए। सारे केस हल किए जाएंगे क्योंकि हर पेंशनर की अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम होंगी है, रिविजन बार बार होंगी रही है। पे कमीशन 5वां पे कमीशन, 6ठा पे कमीशन, 7वां पे कमीशन, कोर्ट के कई बार ऑर्डर होंगे, रिविजन कोई ना कोई होंगी रही है। सो सबसीक्वेंट रिविजन होंगी, पेंशन जिम्मे बैंकों चो वंटी जाती या साढ़े DPTO दफ्तर है उन्होंने वंटी जाती है। जो भी किसी पेंशनर की प्रॉब्लम हो, कई बार आइडेंटिफिकेशन नहीं होंगी, कई बार उनकी परसनल कोई प्रॉब्लम होंगी है, कई बार के ओल्ड पेंशनर होंगे डेटा नहीं अवेलेबल होंगे। इस पेंशन अदालत का परपज यही है कि पेंशनर ना सीधी गल की जाए, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे जान, ऑनलाइन साढ़े को रिकॉर्ड है। सो इट मोर लाइक ई पेंशन अदालत है कि जो पेंशनर की एक एक प्रॉब्लम जो सॉल्व की। इस पेंशन अदालत अमृतसर हो रही है, कितों का भी पेंशनर इतने आ सकता है।